प्रदेश के जनसंपर्क और जल संसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले के महेवा रिछारी का दौरा किया और यहां की जनता को विकास कार्यों की सौगात दी। इसके अलावा मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने महेवा में 4,50,000 की लागत से बने आंगनवाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही महेवा को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 2,00,000 की लागत से बनने वाली सीसी रोड का शिलान्यास किया। इसके अलावा ग्रामीणों की मांग पर मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने 4 करोड़ की लागत से रामसागर डैम से महेवा तक नहर बनवाने की घोषणा की है। उन्होंने ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ देने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूरी करने की बात कही। पाइपलाइन के सर्वे हो गया कि नहीं अपने गांव में? बच गई पाइपलाइन। सूखा की साल में पानी पानी लाइन दे रहे हैं। आज मेरे को एक ज्ञापन दिया अभी नीतू सिंह जी ने, राम सागर तालाब से ग्राम महेवा तक नहर बनवाई जाए। जयपुर में 36 लाभ है, जो मोटे मोटे लाभ है वो मैं गिना जाऊं, जिससे आपका कोई बीच में खा नहीं पाएगा। जैसे इसमें कुल 200 रुपया महीना बिल लगना है किसान को, जिसका ये रजिस्ट्रेशन है, ना ज्यादा लगेगा ना कम लगेगा उसका, 200 रुपये महीना फ्लैट रेट हो गई। 1 लाख। दूसरा लाख, जो भूमिहीन होगा, जो बिना घर के होगा, उसे रहने के लिए घर का पट्टा दिया जाएगा, वो घर बनाने को 2 लाख से ऊपर नगर रुपया दिए जाएंगे। 2 लाख। तीसरा लाख, भगवान ना करे पर बड़ा बूढ़ा घर में मरता ही है, हमें और तुम्हें सबको जाना है, तो 2 लाख रुपया मिलेगा। कोई भी जिसका ये रजिस्ट्रेशन है, एक्सीडेंट में मर गया भगवान ना करे, तो 4 लाख मिलेगा। समझ रहे ना मेरी बात को? ऐसे गैस का सिलेंडर उसे मिलेगा 1 रुपया किलो गेहूं चावल लवक किसी गरीब रेखा के कार्ड की जरूरत नहीं। ऐसी कितनी योजना है, 36 का लाभ उसे मिलेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराओगे तो मैं मुंडो मूड को हो जाऊँ तो भी नहीं दे पा सकता। मेरी आपसे हाथ जोड़े की प्रार्थना है, सेक्रेटरी साहब ने बताया अभी आपको, सब अपना अपना रजिस्ट्रेशन चेक करा लें।